So good evening everyone. Today we are starting with your fresh chapter, chapter number 3B, which is the elasticity of demand. ठीक है, देखो अभी तक तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है. अभी तक हमने देख लिया कि भाई साहब ये डिमांड क्या होता है. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड देखा लास्ट लेक्चर में, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप क्यों जाता है, ये सारी बातें हमने पढ़ी. ठीक है, उसके बाद में लास्ट के तो जो दो टॉपिक थे, दैट वाज योर वेरिएशंस एंड चेंजेस इन डिमांड. वेरिएशंस में क्या था? एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन. चेंजेस इन डिमांड में क्या था? डिमांड इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज. डन एवरीवन? आपको आई होप. अच्छा, जो भी बच्चे लेक्चर फर्स्ट टाइम देखेगा, आई रिक्वेस्ट देम यहां से मैं आपको कंटिन्यू कर सकती हूँ. हाँ, चैप्टर फोर से भले कंटिन्यू हो जाना, लेकिन मेक श्योर कि सिर्फ और सिर्फ 9 लेक्चर्स हैं हमारे चैप्टर 3B के, बिकॉज टाइम हमने बहुत लंबा लंबा 1 आवर लिया है, इसलिए 9 लेक्चर्स में हो गया. अदरवाइज हमेशा 12 लेक्चर्स लगते हैं. ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ 9 लेक्चर्स हैं, फटाफट से फिनिश कर लो और आ जाओ हमारे साथ में. ठीक है, चैप्टर नंबर 3B तभी देखोगे जब चैप्टर 3A एकदम तोड़ हो जाएगा. सिर्फ लेक्चर देखो, तोड़ अपने आप हो जाएगा. ठीक है, चलो यार. चैप्टर नंबर 3B, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एनीवन, एनी आइडिया अबाउट दिस कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी? कोई भी देखेगा नहीं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलो यार. बोलो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. चलो आ जाओ. ठीक है, एक बार क्विकली रिकैप करते हैं क्या क्या चीजें किया है हमने. हमने स्टार्ट किया आपका ये कंसेप्ट चैप्टर 3B, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें देखी है, एक बार डिटेल में जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया उसको क्विकली एक बार रिकैप करते हैं. प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या क्या किया था? हसल. ठीक है, मतलब प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी गाइस? डिक्रीज हो जाएगी. और अरे ऐसे नहीं बोलने का भी, अभी क्या बोलने का? हायर द प्राइस लोअर द, हायर द प्राइस स्मॉलर इज द, देखो लोअर आता है मुंह से, हसल. हायर द प्राइस स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस लार्जर इज द, वापस से, हायर द प्राइस स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड. डन एवरीवन? यहां पे अच्छा, ये भी हमें हमारे अल्फ्रेड मार्शल जी ने दिया था. ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल जी ने दिया था. ओके, अच्छा हमारे अल्फ्रेड मार्शल जी ने क्या बोला फिर? इन्होंने क्या बोला आपको पता है क्या? लॉ ऑफ डिमांड को उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया था. ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन थी, ये हसल वाली डेफिनेशन थी. ठीक है, ओके. लेकिन कितने से गाइस, कितने से डिमांड बढ़ी, कितने से कम हुई, ये नहीं बताया उन्होंने. उन्होंने हमें ये नहीं बताया कितने से डिमांड कम हुई और बढ़ी. ओके, नहीं बताया. अब इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? इलास्टिसिटी. कितने से, कितने से, कितने क्वांटिटी से डिमांड बढ़ी, कितने क्वांटिटी से डिमांड कम हुई, बढ़ी या कम हुई, नहीं बताया. ये कौन बता रहा है आपको? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज योर चैप्टर नंबर 3B बता रहा है आपको. समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके. अब इलास्टिसिटी बताने से पहले मैं आपको क्या समझाने वाली हूँ, इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उससे पहले इलास्टिसिटी, फिर इलास्टिक. ठीक है, ओके. अब इसका एग्जाम्पल हमने बहुत ही मस्त तरह से लिया था, जैसे कि ये हमारा निहाल भाई है. ठीक है, निहाल क्या कर रहा है? निहाल को ना ट्रुथ एंड डेयर, ये तुम सारे बच्चे, अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है उसके बाद में एक ऐसे एक टेबल पे बैठे हो और निहाल पे आता है डेयर. निहाल को तुम लोग बोलते हो कि भाई जा वो लड़की को प्रपोज कर. ठीक है, वो लड़की को तेरे को शादी के लिए प्रपोज करना है निहाल. तो निहाल जाता है, इसका नाम रहता है कविता. ठीक है, नाम भी ढूंढ ढांड के इसके फ्रेंड्स लोगों ने बता दिया. अब लड़कियां तो है ही अपनी क्लासेस की इतनी दुष्ट, मतलब कुछ भी डेयर देती है, पता है क्या? तो ये फाइनली हमारे निहाल जाता है. निहाल एकदम ओके ओके, ठीक है, एकदम मतलब नॉर्मल सा इंसान है हमारा. हाँ, ये बंदी जो है एकदम रिच, मस्त से कार से कदम उतार रही है. ठीक है, एकदम स्मार्ट, ब्यूटीफुल. ठीक है, ओके, स्टाइलिश है, टू बी मोर परफेक्ट, स्टाइलिश है भाई ये बंदी हमारी बहुत. तो निहाल जाता है इसके पास में, बोलता है एकदम हकबकाते हुए, बोलता है मैडम मैडम आई वॉन्ट टू मैरी यू. अच्छा बोलता भी तो मैडम बोलता है वो वहाँ पे जाके. ठीक है, अच्छा दीदी नहीं बोला उसने. ठीक है, मैडम आई वॉन्ट टू मैरी यू. फिर एक बार सुनो तो, मैंने आपको रोज़ देखता हूँ. फिर वो अपना ऐसे थोड़ा सा खुल जाता है, फिर वो और अपनी दिल की बातें बताता है उसको. और कविता जी फाइनली बोल देते हैं, हाँ जी हाँ मैं आपसे शादी करूँगी. वो रेडी हो जाती गई कविता, रेडी हो जाती है यहाँ पे शादी करने के लिए. ठीक है, अगले दिन भी ये लोग मिलते हैं, दूसरे दिन मिलते हैं, तीसरे दिन मिलते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है. फाइनली ये दोनों की शादी हो जाती है.
तो यहाँ पे क्या है दूसरा, दूसरी बार ये लोग डेर खेलते हैं, ओमकार के ऊपर डेर आता है, ओमकार को बोलते हैं भाई वो कविता के बाजू में जो बंदी है ना, उसका नाम जो भी होगा, चल बबीता है, तो उसको जाके देखो ये बोलना है, क्या बोलते हैं, प्रपोज करके आना है मैरिज के लिए। तो वो जाता है, बोलता है उसके पास में, और ये जो हमारी बबीता जी हो तो डायरेक्टली मना कर देती हैं, सीधा मना, हु आर यू, हाउ डेयर, मतलब अच्छा भाई बेन बैठ 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 बैठ, मैं जा रहा है यहाँ से, तू सीन मत क्रिएट कर, बैठ बैठ मैं जा रहा है यहाँ से। तो गाइस वो डायरेक्टली ना बोल देती है, वो डायरेक्टली ना हमारे ओमकार जी को ना बोल देती है, ठीक है, ओमकार ना हो गया आपका तो ठीक है, लेकिन अभी इसका निहाल को तो हाँ बोल दिया भाई। तो निहाल का जो एग्जाम्पल है ना, आप बोलोगे कि ये भाई ये इलास्टिक है, क्या है निहाल का एग्जाम्पल में, क्या है इलास्टिक, ठीक है, अरे उसने इलास्टिसिटी क्यों है आप ये समझो, क्योंकि उसने रिस्पॉन्ड किया। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है पता है, रिस्पॉन्ड करना, एक एक इलास्टिक, एक रबर बैंड कैसे इलास्टिक करता है, रिस्पॉन्ड करता है, अगर आपने उस पर प्रेशर लगाया तो वो रिस्पॉन्ड करता है ना, वैसे ही आपने यहाँ पे बात किया, हमारे निहाल भाई ने उससे बात किया और उसने हाँ बोल दिया शादी के लिए, तो ये क्या हो गया इलास्टिसिटी, उसका रिस्पॉन्सिवनेस आया, हाँ 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 यस। और इधर आता है ना, मतलब वो क्या इन इलास्टिक है, इलास्टिक नहीं है, तो ये इधर क्या हो जाएगा जीरो, इन इलास्टिक है, जीरो जीरो इलास्टिक है, समझ में आ रहा है, डन। तो चलो आ जाओ, रिस्पॉन्स इलास्टिसिटी क्या होती है, अभी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अनदर वेरिएबल, बोलो मेरे साथ साथ में लाइन, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अनदर वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल के चेंज होने से, मतलब हमारे एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल में कितना चेंज होता है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लिया, फिर हमने हमने एग्जांपल लिया अभिषेक का, ठीक है, अभिषेक के पे शादी भी ये लड़कियों ने वही किया, हमारे क्लासेस की लड़कियां तो ऐसी इतनी दुष्ट है ना, बोलना ही नहीं क्या उनका, ठीक है, एक से एक है सबके साथ, ठीक है, अभिषेक पे किया, अभिषेक पे भी डर है गाइस, ठीक है। अभी अभी दिक्कत क्या था पता है क्या, अभिषेक की तो गर्लफ्रेंड वही ग्रुप में ही बैठी है ना, बाकियों को कुछ पता नहीं है, ऐसे अंदर ही अंदर चालू है, ठीक है, इन प्रोसेस है। तो अभिषेक का हुआ, उसने भी डेयर करके एक शादी के लिए प्रपोज करके आया, अब ये बंदी हमारी नाराज, इसको मनाए तो कैसे, तो वो जाता है, अरे सुनना यार सुन तो, वो जैसी पीछे पलटी धड़ 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 धड़, मतलब क्या हुआ गई, मतलब अभिषेक के एक बोलने पे, अभिषेक के एक बोलने पे इसको पड़ गए पांच, पांच पड़ गए, ठीक है। तो किस क्या हुआ यहाँ पे, हमारी जो सबसे रिस्पॉन्सिवनेस कौन है यार, सबसे रिस्पॉन्सिवनेस कौन है, ये हमारी अभिषेक वाली सबसे रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब अभिषेक के एक करते ही पांच। तो गाइस रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अनदर वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंजेस आ रहे हैं और कितने से चेंजेस आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिवनेस, ये जो है ना इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं गाइस पता है, इलास्टिसिटी। लॉ ऑफ डिमांड आपका क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव रिलेशन बताता है, क्वांटिटेटिव नहीं बताता कि कितने से तुम्हारा जो डिमांड है ना वो बढ़ा है या कम हुआ है। लॉ ऑफ डिमांड आप देखो ना, हसल हसल, हायर द प्राइस स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांड, लोअर द प्राइस लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड। तो जो तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड है वो क्वांटिटी में कितने से चेंज हुआ, उसने सिर्फ इतना बोला प्राइस बढ़ेगी ना भाई तो वो कम होगी, मार्शल जी हमारे, अरे याद है ना मार्शल जी ने बताया था लॉ ऑफ डिमांड, ये याद है ना सारी चीजें, मैंने ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने बताया, बताती हूँ, पहले इधर आओ, हायर द प्राइस लोअर द क्या होता है क्वांटिटी डिमांडेड, स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड एंड लोअर द प्राइस लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड, ये हमारे अल्फ्रेड मार्शल जी ने बताया। और लेकिन मुझे ये बताना, इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने से कितनी क्वांटिटी से चेंज हो रहा है, मतलब कितने थप्पड़ पड़े, कितनी क्वांटिटी से चेंज हुआ है, समझ में आ रहा है, ये नहीं बताया उन्होंने, ओके डन। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कौन बता रहा है आपको, ये बताओ मुझे कितनी क्वांटिटी से चीजें चेंज हो रही, कौन बता रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता रहा है, समझ में आ रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता रहा है। तो ये जो है ये आपको क्वांटिटेटिव क्वांटी, एक मिनट वन सेकेंड, ये चीजें लिख लेना नोट्स में अपने, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता रहा है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता रहा है आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेकिन आपको लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप नहीं बताता, तो वो क्या बताता, तो वो आपको क्वालिटी बताता है कि प्राइस बढ़ेगी तो ये कम होगा, प्राइस कम होगा तो बढ़ेगा, समझ में आया सभी को, एवरी वन ऑफ यू, मैंने पूरा रिकॉल कर भी दिया, समझ में आया एवरी वन, यस
पक्का? ओके चलो तो इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, यस बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।